अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल बिया व्लॉग्स। तो आज हम आपको घर में हलवा पूरी बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम तरकारी स्टार्ट कर लेते हैं। तरकारी बनाना बिल्कुल आसान है। हमने एक पॉट के अंदर 4 गिलास पानी रख देना है बॉयल होने के लिए। उसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और इसमें कलौंजी आप डाल देंगे 1 टीस्पून। ऑलिव ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है, ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना ना चाहें। बॉयल पोटैटोज़ मैंने ले लिए थे, 8 पोटैटोज़ थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉयल करके मैंने कट कर लिया था क्यूब्स में, ठीक है। इसको भी इसमें ऐड कर दें और इसको कवर कर दीजिए और बॉयल आने दीजिए। जब तक हम पूरी के लिए आटा जो है उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, ठीक है। उसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, नमक आप लोग अपने पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब इसको आप नीम गर्म पानी लीजिए, नीम गर्म पानी ले लेंगे हम और अपने मुताबिक ही जब जितना डो में ऐड होगा उसके मुताबिक आप लोग इसमें ऐड करके इसकी डो बना लेंगे। इसकी थोड़ी डो जो है बहुत रफ़ सी बनती है, इसको बहुत ज़्यादा नीट करने की और बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आपने इसको अच्छे तरीके से डो बना लेना है। डो बनाने के बाद आप इसको कवर करके इसके ऊपर घी लगा दीजिएगा, हल्का सा कवर करके रख दें। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लें, जिस साइज़ में आपको जो है वो पूरी चाहिए है उसी हिसाब से आप इसके बॉल्स बनाकर रख लीजिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान, बहुत डिलीशियस जो है पूरी आप घर में बना सकते हैं और बहुत बआसानी बन जाती है। इसी तरह से हमने सारे जो है वो पेड़े बनाकर रख लेने हैं और काफ़ी बन जाती हैं। इसमें हम 2 से 3% है तो उस हमारे लिए बहुत था 2 कप मैदा। आप लोग जितना चाहें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इनको कवर करके आपने रख देना। अब हमारा हम चलते हैं तरकारी की तरफ, आलू की तरकारी। अच्छा, पोटैटो बॉयल करने से ये होता है कि तरकारी फटाफट से तैयार हो जाती है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर इमली का पानी, 2 टेबल स्पून इमली हमने भिगो दी थी उसका पानी हमने जो इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही हमने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में ऐड कर लिया है। 1/2 कप पानी ले लीजिएगा और साथ साथ ऐड करते जाइएगा। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इमली का पानी ऑप्शनल है, आप अगर अचार ऐड करना चाहें तो आप लोग अचार भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इमली का पानी ऐड किया था, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट था इसका और डिलीशियस जो है ये तरकारी तैयार हुई थी और झटपट तैयार हो जाती है। अब हमने पूरी तैयार कर लेनी। 1 कढ़ाई में हमने घी जो है उसको गर्म रखा है। अच्छा, घी में मैं इसलिए फ्राई करती हूँ क्योंकि पूरी क्रिस्पी रहती है, ऑयल में ज़्यादा फ्राई करने से स्टिकी हो जाती है। तो अगर आप लोग घी की जगह ऑयल यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, मगर घी से क्रिस्पी बनती है। घी को हमने हीट कर लिया था, उसके बाद आप पूरी डालते जाइए और 3 सेकेंड एक तरफ और 2 सेकेंड दूसरी तरफ से आप इसको फ्राई कर लीजिए। और अगर आप थोड़ी ब्राउन करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और कर सकते हैं। बहुत खस्ता, बहुत डिलीशियस पूरी तैयार होती है। इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा आटा इसका, इसकी जो डो है वो नॉर्मल सी तैयार होती है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ जो हैं उनको तैयार कर लेंगे। संडे ऐसा डे होता है जिसमें पूरी का नाश्ता, दिल करता है कि पूरी जो है उसका नाश्ता किया जाए। आप आम रूटीन में भी पूरी बना सकते हैं, उसके लिए संडे होना ज़रूरी नहीं है। संडे की स्पेशलिटी ये होती है कि लोग घर में होते हैं, वेकेशन होता है, सो आप लोग इस वजह से जो है वो एहतमाम करते हैं अच्छे नाश्ते का। साथ ही हमने हलवा भी बनाया था। हलवा जो है वो मैं प्रीवियस अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं आई के बटन में आप लोगों को मेंशन कर दूंगी। सूजी का हलवा मैंने इसके साथ रखा था, तो उसकी तरकीब आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जो कि मैं आई के बटन में ऐड कर दूंगी। इसी तरह देखिए, ये वाली पूरी मैंने थोड़ी क्रिस्पी की थी क्योंकि मुझे क्रिस्पी पसंद है, सो आप लोग इसी तरह से सारी पूरियाँ उतार लीजिएगा। नए आने वाले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि ताकि आपको बेल आइकन का बटन दबाने से जो हमारी तमाम जो आने वाली वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है।
पूरियाँ हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं सारी। अब हमने सर्विंग करनी है हलवा। आप देख लीजिए ये सूजी का हलवा है, बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल में, तरकारी है और इसके साथ जो है वो पूरियाँ हैं। तो जनाब हमारी रेसिपी हुई कंप्लीट। नई रेसिपी के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ख्याल रखिएगा गाइस अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।